मैंने सोचा था कि तुझसे रिश्ता तोड़ दूंगी तो तुझ पर कोई असर होगा, पर नहीं, सब बेकार है, क्योंकि मुझसे ज्यादा ना तेरे लिए अब आर भी इंपॉर्टेंट हो गया। नहीं 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 दी, ऐसा नहीं है दी, सच में नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ तो देख मेरी आंखों में, देखिए जो आंसू है ना ये तेरे लिए है, तेरी फिक्र में। और तुझे जो उल्टी बातें सुनाई जा रही है ना उससे कितना हर्ट हो रहा है मुझे, तुझे कोई अंदाजा है? बार बार हर्ट कर रही है तू मुझे पीयू। I'm really sorry, अगर मैं तुझे बार बार हर्ट कर रही हूँ, पर तू देख ना दी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर मेरे हाथ में कुछ होता ना तो I swear, तू जो बोलती ना मैं वो करती। सब कुछ तेरे हाथ में है। अब भी सब कुछ तेरे हाथ में है, लेकिन एक बार ही शादी हो जाएगी तो तेरे हाथ में कुछ नहीं रह जाना है पिता। बात को समझ, और अब भी वक्त है, कैंसिल कर दे। कैंसिल कर दे आरवी और नेत्रा के संगीत को, बंद कर दे ये सब कुछ, मत तोड़े दे अपने साथ ही गलत, समझ पुत्र? नहीं रोक सकती और ना ही मैं रोकूंगी, क्योंकि आज मैं रुक गई ना तो ये सब लोग आरवी और उसकी फैमिली को गलत समझेंगे। अरे लेकिन तुझे तो सही समझेंगे ना पुत्र? वाह, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और लोगों के बारे में ना मैंने तो सोचना तब से ही बंद कर दिया था, तब से वो साविदी के साथ इतना गलत हुआ था। आपको याद है ना साविदी हमारे मोहल्ले वाली? लोगों ने कितना गलत गलत कहा था उन्हें। उनका जब बॉयफ्रेंड बना था तो समाज ने क्या कहा था कि बेशर्मों की तरह बॉयफ्रेंड लेकर घूम रही है। और जब बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ और घर वालों ने शादी कराई तो किसी बड़े लड़के से कराई तो लोगों ने कहा कि बड़े लड़के से शादी कर ली। और जब उस लड़की ने उनके साथ गलत किया तब भी लोगों ने कहा कि शायद दी में कुछ खोट होगा। और जब दूसरी शादी हुई तो लोगों ने कहा कितनी शादी करेगी। अरे इंसान करे तो करे क्या दी? लोग ना अपनी राय देते हैं, राय का वर्डिक्ट देना होता है, सिर्फ फैसला सुनाना होता है, क्योंकि बस जुबानी तो हिलानी है। तुम लोगों की गलत सोच का बोझ क्यों उठाए? क्यों हमें फर्क पड़ना चाहिए कि लोग क्या सोच रहे हैं? इसलिए मैंने ना तब से सोचना बंद ही कर दिया कि समाज क्या सोच रहा है। इसलिए मुझे लगता है दी कि हमारे परिवार के लिए, हमारे अपनों के लिए जो सही है ना, हमें सिर्फ वही करना चाहिए। तो अगर आज आरवी और नेत्रा की शादी हो रही है और उसी से सब कुछ सही हो जाएगा तो होने दो। शादी के बीच में नेता की सच्चाई पता चल जाए, उसकी चाल के बारे में हमें कुछ पता चल जाए। तू समझ क्यों नहीं रही है पियू? ये तू क्या कर रही है? तू ना आग से खेल रही है पियू, जल जाएगी, बहुत बुरी तरह से जल जाएगी, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तेरी जिंदगी दांव पर लगी हुई है, तू नहीं देख पा रही क्या? मुझे पता है मेरी लाइफ दांव पे लगी है। तू समझ ना दी, यही एक रास्ता है आरवी को बचाने का। बस देखा अपने,